तो मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए। मेरा क्वेश्चन है, साक्षरता से क्या अभिप्राय है। तो साक्षरता के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। साक्षरता का पहले मैं अर्थ बता देती हूँ। तो अर्थ है हमारे, साक्षरता वह साधन है जिसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित सूचना प्राप्त की जाती है, उसे साक्षरता कहते हैं। यानी जो व्यक्ति मौखिक रूप से समझता है शब्दों को तथा उन शब्दों को लिखता है और उनके द्वारा सूचना जो उसे प्राप्त होती है, ज्ञान जो प्राप्त होता है, उसे साक्षरता कहते हैं। उसे एक वर्ड में आप साक्षर भी कहते हैं कि वो साक्षर है। साक्षरता विधि की विशेषताएं क्या होती हैं? तो विशेषताएं हैं हमारी चार हैं, 1 2 3 4 4। फर्स्ट है हमारा दो या दो से अधिक व्यक्ति। दूसरा है आमने सामने के संबंध होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, इसमें सामग्री संकलन होता है। यानी दो या दो से अधिक लोग होते तभी साक्षरता का ज्ञान प्राप्त होता है। अकेले भी होता है लेकिन उतना नहीं होता। आमने सामने के संबंध से ज़्यादा असर पड़ता है। विस्तृत यानी कुछ खास उद्देश्य ही प्राप्त होते हैं उसमें, किताबों में, तथा सामग्री संकलन होती है तभी ये सारी विधियाँ हो सकती हैं। फिर आता है हमारा साक्षरता के उद्देश्य क्या हैं। साक्षरता के उद्देश्य है कि पहला तो हमारा है प्रकल्पनाओं के निर्माण का स्रोत होता है। नेक्स्ट है हमारा आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना होता है। आमने सामने होने पर ही हमें सारी सूचनाएँ पता चलती हैं तथा सारे स्टेप्स के बारे में नॉलेज होती है। फिर होता है अवलोकन के लिए अवसर पाना। कई बार हम अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने के लिए भी हमें कई अवसर मिलते हैं जो उसी दौरान मिलते हैं, साक्षरता के दौरान ही मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गुणात्मक तथ्यों का संकलन। हमारे अंदर गुणों का भी चयन होता है तथा गुण भी निखरते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, कितना हमें शिक्षा का ज्ञान हुआ है, कितना नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत एवं आंतरिक सूचना संकलित करना। हमारे व्यक्तित्व रचना के आधार पर हमारे आंतरिक सूचना भी संकलित होती है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी साक्षरता से, साक्षरता के मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। पहले विशेषताएँ और उद्देश्य, इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना तभी आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।